तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोर्ट से राहत, प्रदेश के 805 पीटीए शिक्षकों को 2018 से सब वित्तीय व वरिष्ठता का लाभ। जी, प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में सेवाएं दे रहे 805 पीटीए शिक्षकों को 2018 से मिलेगा वित्तीय और वरिष्ठता का लाभ। मैं कोर्ट के आदेशों के बाद अब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। मैं 2006 से 2008 अवधि तक के पीटीए टीजीटी अध्यापकों को वित्तीय और वरिष्ठता लाभ दिया जाएगा। मैं याचिकाकर्ताओं को शुरू में पीटीए यानी कि जीआईए नीति के अनुसार टीजीटी या एनएम या मेडिकल के रूप में नियुक्त किया गया था। मैं इसके बाद वर्ष 2006-07 और 2008 के दौरान प्रदेश सरकार ने 16 अगस्त 2013 की अधिसूचना के माध्यम से पीटीए जीआईए शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर प्रदान की गई सेवाओं को लेने का एक संक्षिप्त निर्णय लिया गया। हालांकि पीटीए जीआईए शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर परिवर्तित करने के सरकार के निर्णय को पंकज कुमार ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अब पार्किंग भी मिलेगी ऑनलाइन, निगम प्रशासन ने तैयार किया आवंटन के लिए ऐप, वाहन के दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य। जी, राजधानी शिमला में अब वाहन मालिकों को वार्ड में कोई भी खाली पार्किंग होने पर इसे लेने के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वह नगर निगम प्रशासन ने शहर की सभी पार्किंग को ऑनलाइन आवेदन के साथ ही आवंटन करने का फैसला किया है। बता दें कि इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने एक ऐप तैयार किया है। इस ऐप के माध्यम से ही भवन मालिकों को पार्किंग के लिए आवेदन करना होगा। वे साथ में यह बताना होगा कि पार्किंग कहां पर है, वे कितने समय के लिए चाहिए। इसके लिए वाहन मालिक को वहां की फोटो और वाहन के दस्तावेज भी अपलोड करने पड़ेंगे। इसके बाद पार्किंग पहले एक साल के लिए आवंटित कर दी जाएगी। वे किसी भी वार्ड में जहां पर भी पार्किंग खाली पड़ी है वहां से वाहन मालिक उसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इस आवेदन के आधार पर पार्किंग आवंटित की जाएगी। खेल का शौक रखने वाले खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, छुट्टियों को लेकर किए गए खास इंतजाम, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन। जे, खेल का शौक रखने वाले खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। वे खेल परिषद शिमला में खास इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए आवेदक 11 दिसंबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं। वे प्रवेश के लिए स्टूडेंट और नॉन स्टूडेंट की दो कैटेगरी निर्धारित की गई है। वे शहर के स्कूलों में करीब 15 दिसंबर तक परीक्षाओं का समय है, इस कारण प्रबंधन आवेदन की तिथि बढ़ा सकता है। अगले साल शुरू होगा रोपवे प्रोजेक्ट का काम, अग्निहोत्री बोले सभी औपचारिकताएं पूर्ण, वन विभाग से ली जा रही स्वीकृति। जिस शिमला में प्रदेश सरकार रोपवे ट्रांसपोर्ट को विकसित करने जा रही है, वह जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट होगा। वह विश्व में सबसे बड़ा 32 किलोमीटर का प्रोजेक्ट दक्षिण अमेरिका के बोलिविया में है। वह शिमला में 13.79 किलोमीटर लंबी परियोजना पर 1555 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को शिमला में दी। सर्दियों के मौसम में शिकारियों पर तीसरी आंख की नजर, सेंचुरी एरिया में वन विभाग ने लगाए सीसीटीवी कैमरे। जय, हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में शिकारियों पर तीसरी आंख की नजर रखी जा रही है। वन्य प्राणी विंग ने जंगलों में हंटिंग को कम करने के लिए सेंचुरियों व उसके जंगलों के आसपास ट्रैप कैमरे लगाने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि वन्य प्राणी विंग ने इसकी शुरुआत जल संरक्षण केंद्र से की है। इसके अलावा चायल सेंचुरी के आसपास भी वन्य प्राणी विंग ने ट्रैप कैमरे लगा दिए हैं। प्रदेश में 11 दिसंबर से बारिश बर्फबारी के आसार, सुबह शाम बढ़ा ठंड का प्रकोप। जे, प्रदेश में सुबह शाम ठंड होने से लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। वह चोटियों पर बर्फबारी के चलते मैदानों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वह हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों केलांग और मनाली का न्यूनतम तापमान फिर माइनस में पहुंच गया है। वह गुरुवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान -5.9, समदो में -4.5, मनाली में -0.8, कल्पा में 0.6, भूंतर में 1.8, नरकंडा में 2.5, मंडी में 2.9, सोलन में 3.8, ऊना में 5.0, शिमला में 5.6 और धर्मशाला में 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हिमाचल में जागरूक हो रहे वाहन चालक, वर्ष 2023 में सड़क हादसों में 19% घटी मृत्यु दर। जय, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राज्य भर में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई है, जिससे प्रदेश में सड़क हादसों में मृत्यु दर में 19% की कमी दर्ज की गई है। वह हिमाचल पुलिस यातायात प्रवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ब्रेथ एनालाइजर, लेजर कैमरा आदि का उपयोग कर रही है। वह प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर विभिन्न स्थानों पर कुल 46 इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किए हैं। वह नवनिर्मित किरतपुर मनाली फॉरलेन पर 10 ITMS सहित राज्यों में 18 नए ITMS स्थापित किए जा रहे हैं। वह इन ITMS साइटों के 31 दिसंबर तक चालू होने की उम्मीद है।
पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा सदस्यता रद्द। आचार समिति की रिपोर्ट को लोकसभा में स्वीकार करने के बाद शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। बता दें कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा के खिलाफ सख्त सजा की मांग के साथ ही 17वीं लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। वह समिति द्वारा इस मामले में सुश्री महुआ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और समयबद्ध जांच की सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, मिली 76% अप्रूवल रेटिंग। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। वह ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 76% रेटिंग के साथ एक बार फिर से लोकप्रियता के मामले में दुनिया के टॉप नेता बन गए हैं। ये रेटिंग 29 नवंबर से 5 दिसंबर के डेटा के आधार पर जारी की गई है। वहीं बता दें कि इस अप्रूवल रेटिंग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिसअप्रूवल रेटिंग भी बाकी नेताओं से कम है। वह रेटिंग के मुताबिक पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेज मैनुअल, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सिट, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी है। यह रेटिंग अलग अलग देशों की अडल्ट पॉपुलेशन की रेटिंग के आधार पर निकाली जाती है। वहीं हर देश में सैंपल साइज अलग होता है। वहीं बता दें कि इस रेटिंग में टॉप 7 में 9 तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का नाम है और 9 ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। इसमें पहले सितंबर में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता टॉप पर थी। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। अब श्रद्धालु भी खरीद सकेंगे माता श्री चिंतपूर्णी का 3D मॉडल स्मृति चिन्ह। जी, अब माता श्री चिंतपूर्णी में आने वाले श्रद्धालु भी माता श्री चिंतपूर्णी का 3D मॉडल स्मृति चिन्ह खरीद सकेंगे। इस संबंध में शुक्रवार को DC राघव शर्मा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी कांगड़ा के निदेशक डॉक्टर राहुल चंद्रा ने MOU पर हस्ताक्षर किए। वही बता दें कि DC ने बताया कि माता श्री चिंतपूर्णी के 3D स्मृति चिन्ह में मंदिर के गर्भगृह के प्रमाणिक स्वरूप को निपटी द्वारा उपकारा गया है। इस हस्तशिल्प 3D मॉडल में माता श्री चिंतपूर्णी की सभी आकृतियों व वृत्ति चित्रों का प्रमाणिक स्वरूप निपटी द्वारा तैयार करके उपलब्ध करवाया जाएगा। DC ने बताया कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन प्रणाली और दर्शन पर्ची के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाबा माईदास सदन में एक काउंटर बनाया जाएगा। यहां से श्रद्धालु आसानी से माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के इस प्रमाणिक 3D स्मृति चिन्ह को खरीद कर अपने पूजा स्थल पर रख सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर न्यास चिंतपूर्णी ने निपटी कांगड़ा के साथ एक सराहनीय पहल की है। उन्होंने बताया कि मंदिर न्यास द्वारा माता श्री चिंतपूर्णी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जा रही है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।